बैक माई जनरल लिली गिरी ब्लॉग फ्रेंड, आप लोग कैसे? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। हम भी अच्छे हैं, हमारे फैमिली भी सब अच्छे हैं, चकाचक हैं। और नहाना धोना हो गया, पूजा भी कर ली। अभी क्या हुआ, मैं सोच आज भी बिजी होंगी कि नहीं पता नहीं, लगता है नहीं होंगी, देखते हैं क्या होता है। और चलिए बने रहिए वीडियो पर। ओके चलिए, किचन में घुस गई। आज क्या सब्जी बनी? चलो जी, मैं सब्जी कटिंग कर रही थी। वो भी ना, जो कार्तिक महीने में सब्जी भी ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, जो भी मिल रहा है उसका भाव बहुत है। तो मेरे पास भी ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं आज भेजी थी कि चल जाओ तुम साग लेकर आओ, लाल साग हो, व्हाइट साग लेकर आओ, कुछ भी साग। हम उसको हमारी उड़िया में कहते हैं कोसला साग कहते हैं, लाल साग को। लाल साग और व्हाइट साग वो दोनों एक ही टाइप का, लेकिन इसका कलर है लाल, इसका कलर है उसका कलर है व्हाइट। तो वो जो लाल साग और व्हाइट साग को कहते हैं हमारा कोसला साग, और उसको ना बहुत, वो भी बहुत टेस्टी भी लगता है। और अभी आ रहा है तो उसको तो मैं भेजी थी लड़का को, तो बोला कि नहीं कोसला साग नहीं आया था। तब मैं बोली उसको कि क्या आया था, तो बोला कि सरसों साग आया था। तो मैं बोली अरे अरे सरसों साग आया तो अभी तो सर्दी के मौसम पर सरसों साग खाना तो बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है। बोली तो बोला कि उसको मैं भेजने वाली थी और काम था, तो मैं बोली कि नहीं ठीक है ना जाओ, आज कालिया परसों जाओगे। तो आज साग नहीं हुआ। और ये आज मैं सोया था, तो कोई दिनों से सोच रही थी कि सोया चौंक बनाऊंगी, तो आज सोया को भिगो दी थी, उसको चौंक बनाई। और जो हमारा कद्दू को तो पतला पतला कट करके उसको मैं सिर्फ कद्दू को मिर्ची और हल्दी मिर्ची के साथ ही सदा फ्राई कर दी हूँ। और था और क्या था ना, बैंगन आलू को भी भाजी बनाई। हमारे उड़िया लोग ज़्यादातर भाजी बनाते हैं, तो भाजी भी बनाई। और ये कई दिनों से सोच रही थी कि हस्बैंड के कपड़े सब पड़ा हुआ था, उसको साफ करूँगी आज करूँगी कल करूँगी। ऐसे कल तो मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला ना, तो मैं कल नहीं कर पाई। कल वैसे भी कपड़े को मैं 5 बजे 4:30-5 बजे जाकर धोई दूँ। और आज ये सब्जी वगैरह कटिंग करके ये मैं धो दी। और ये देखिए कैसे कपड़े तो सारे ज़्यादा कुछ नहीं, भिगो के रख देती हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-10 मिनट के अंदर ही उसको साफ सफाई हो जाता है। बाहर वैसे भी ये बाहर टैप जब से लगा हुआ है तब से मुझे साफ करने में भी बहुत इजी होता है, क्योंकि इधर साफ करो, साफ करके आराम से कपड़े को उधर जो हमारा तार में ही उसको सुखा दो। ऐसा मैं कर रही हूँ और ठीक मुझे टाइम भी होता है, मेरा खाना बनाते बनाते ये सब भी हो जाता है। और लहसुन लगाऊंगी तो उसका भी जो छोटा छोटा क्यारी बनवाई हूँ, थोड़ा सा मिट्टी सूख जाएगा तो लहसुन लगाएंगे। साग तो बो दी हूँ लेकिन जो लहसुन नहीं लगाए। तो ये देखिए कपड़े नहाने के बाद तो कपड़े धुलना, तो उसके बाद गिल्ली भी होता है कपड़े, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं ऐसे जो हमारा पेटीकोट को ही टक कर देती हूँ। तो वो भी हमारा उड़िया में पेटीकोट को छैया कहते हैं, छैया। तो टक करके करती हूँ तो मुझे इजी भी मुझे होता है, और कपड़े भी मेरा गीला नहीं होता है, गीला होता है तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं, किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। और नहाने से पहले ये सब काम करो तो भी मेरा लेट हो जाएगा, इसीलिए मैं भिगो के रख देती हूँ, भीग जाता है, उसके बाद साफ सफाई करती हूँ तो बहुत जल्दी होता है मेरा। अभी ये ट्रिक मुझे बहुत ही अच्छा लगा, नहीं तो पहले क्या होता ना, साफ करती हूँ, साफ करने के बाद नहाती हूँ और
उसके बाद ही उठती हूँ, तो बहुत लेट होता था। लेकिन इस स्टाइल में करती हूँ तो मेरा टाइम भी बच जाता है। तो आप लोग एंजॉय करो हमारी वीडियो को, ये करी उसके बाद में खाना, उधर तो मैं भाजी भी बैठा दी हूँ, बीच बीच में जाकर देख रही हूँ। ये फाइनली कपड़े को भी, सारे कपड़े, दो दिन का नहीं, एक दिन का ही कपड़ा पड़ा हुआ था। और ये येलो वाला साड़ी ना बहुत दिन का है, अभी उसका जो धागा निकलता है ना, हमारे पायल में लगता है तो धागा इधर उधर खिंचा हो जाता है, खींचता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और जो होता है रिवाइव मंडल जो है ना, वो कॉटन साड़ी को रिवाइव दो तो अच्छी तरह से होता है, मंड ऐसे कहते हैं। चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। देखिए किचन में भी घुस गई हूँ, किचन का काम भी, भाजी भी हो रहा था। नहीं, ये मैं सोया चंक बना रही थी। तो ज़्यादा बात, आगे क्या क्या हो रहा है आप लोग देखोगे तो पता चलेगा। चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। Thank you.
तो बीच में नहीं मेरे वीडियो अभी ना वीडियो पर आ रहा है कि इंजेक्शन का वीडियो डालो वीडियो, जब इंजेक्शन हो उनका वीडियो होगा ना मैं अपलोड करूँगी, ज़रूर अपलोड करूँगी। तो ये पानी दे रही थी उस दिन में जो साग बोई थी ना उस पर पानी डाल रही थी। तो ये इसे देखो आप लोग देखते जाइए वीडियो को। और इधर मैं कुछ गुड़हल की फूल लगाई हूँ उसमें भी पानी दे रही थी। गुड़हल तीन टाइप का मैं गुड़हल लाई थी, एक येलो का, एक वाइट का और एक जो तीन टाइप का मैं लाई थी। ओके चलिए।